एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक एक रोज लगाए अपने आंगन में अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी, और उसी के साथ वक्त आ गया था क्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है? बहुत दूर से, दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहाँ की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी, बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आइसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहां क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी क्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। के, दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस पार्कल्स जाओ, मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो, उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस पार्कल्स को ये ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। क्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं। पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में, क्या है ये सब? और तभी आइस पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था। उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। क्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने क्रेडा से बदतमीजी से बात करी। क्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, क्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। क्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। क्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। क्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से क्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर क्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची।
आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिंक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। क्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। क्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी। गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी, मुस्कुरा के उसने पूछा। और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? क्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि क्रेडा से पहले यहाँ सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए, मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के, शायद देखा है मैंने उसे। क्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना वो भड़क गई। स्नो क्वीन, उसका तो नाम भी ना लो, उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो क्रेडा के बाल बनाए। क्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। क्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से क्रेडा सब कुछ भूल गई, सिर्फ खुशियां याद थी। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी क्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे दो रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा? उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहां जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और क्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी और वो पहुंचे आईसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। क्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने क्रेडा से बात की। तुम वही जाओगे जहां हम जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर ग्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी ग्रेडा से मालूम चली,
उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को ये जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर ग्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को ग्रेडा की ये जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो ग्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। ग्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है, और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी? ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता, इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर, जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी, उसका नाम था लायला। पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली, उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी, और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। ग्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा के आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के, तुम यहां हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहां मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है, मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, आई लव यू। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी ग्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लायला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई, वो लायला बन गई। थैंक यू वेरी मच, अब मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे।
एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं। एक समय की बात थी, एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। हालांकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था, पर उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी बीवी एक डायन के पास गई और उसने उसे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। उदास मत हो मेरी बेटी, जहाँ चाह वही राह है। ये बीज ले जा और एक गमले में लगा देना और फिर तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक होता दिखाई देगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और डायन का शुक्रिया अदा करने लगी। बदले में उसने डायन को कुछ पैसे दिए। वो घर आई और उसने बीज को गमले में लगाया। एक आशा के साथ वो उस गमले के पास बैठी रहती थी। जल्द ही एक बड़ा ट्यूलिप जैसा फूल उस पौधे में खिलने लगा। उसी वक्त बीवी ने अपने मन में सोचा, कितना सुंदर फूल है, और उसकी बंद पंखुड़ियों के पास जाकर उसे चूम लिया। जैसे ही पंखुड़ियां खुलने लगी, उनमें एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। अचरज होकर बीवी ने उस नन्ही बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कितनी नन्ही बच्ची हो तुम, तुम्हारा नाम थंबलिना होना चाहिए। उस औरत ने थंबलिना का झूला अखरोट से, उसका गट्टा पत्तों से और उसका कंबल गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया। थंबलिना ने बड़ी ही आसानी से अपने नए जीवन की अनुकूल होने में कामयाबी हासिल की। रात में वो अपने बेड पर सोती और दिन में वो टेबल पर खेलती और गाना गाती रहती। एक रात जब थंबलिना अपने बेड पर सोई हुई थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अखरोट के छिलके पर सो रही है। रे बेट, ओ कितनी छोटी और सुंदर बच्ची हो तुम मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। जितनी जल्दी हो सकता था, उस मेंढक ने उस अखरोट के छिलके को उठाकर खिड़की के बाहर छलांग लगाई। घर के करीब एक दलदल था, उसी में वो बदसूरत मेंढक और उसके बेटे का घर था। उस मेंढक का बेटा उतना ही बदसूरत था जितना कि वो मेंढक था। जैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाना बंद करो, बच्ची जाग जाएगी और अगर वो जाग गई तो यहाँ से भाग जाएगी। रिबेट। पिता और बेटे ने मिलकर बच्ची के लिए एक जगह बनाई जहाँ वो रह सकती थी। उन दोनों को एक तरकीब सूझी। क्यों ना हम इस बच्ची को झील के पास के किसी एक लिली के फूल में रखे, जहाँ चारों ओर पानी है, उसका भागना नामुमकिन होगा ऐसी जगह से। पिता मेंढक ने थंबलिना को एक लीली के पत्ते के ऊपर रखा। सुबह के वक्त सूरज की किरणों के साथ थंबलिना जग गई। जब उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो डर कर रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? दोनों मेंढक थंबलिना के पास पहुंचे। ये तुम्हारा नया दोस्त है, मैं तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूँ, वो दलदल के काफी गहराई में होगा। दोनों मेंढक थंबलिना का झूला लेकर तैरते हुए वहाँ से चले गए, उसे वहीं पत्तों पर छोड़कर। उसी समय वहाँ कुछ लाल मछलियाँ तैरती हुई पहुँची और उन्होंने उस बदसूरत मेंढक की बातें सुनी। उन मछलियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बदसूरत मेंढक एक इतनी सुंदर बच्ची को तकलीफ दे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। सारी मछलियों ने उस पत्ते की डंडी को चबाना शुरू किया जिसमें वो नन्ही बच्ची थी। सिर्फ एक पत्ते के सहारे थंबलिना वहाँ से पानी पर तैरती हुई निकलने में कामयाब हो गई। वो हरा पत्ता अपनी राह बनाते हुए चला जा रहा था और ये नजारा चिड़िया प्रशंसा से देख रही थी। कितनी सुंदर और छोटी है वो। और जैसे ही वो अपने रास्ते से गुजर रही थी, उसके सामने एक बड़ा सा बग आया।
उस बग ने थंबलीना को जल्दी से उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने आप को पेड़ पर पाकर थंबलीना काफी घबरा गई। किस तरह के बग हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं एक मेबग हूँ और मैंने तुम्हारी जैसे बग को कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देख सके। कुछ देर बाद सारे मेबग्स जो उस पेड़ पर बैठे थे थंबलीना को देखने पहुँचे। सारे मेबग्स उस छोटी सी बच्ची की सुंदरता से प्रभावित हो गए। तुम एक मजेदार चीज हो। तुम्हारे तो पंख भी नहीं है। कितनी बदसूरत हो, इसकी तरह देख भी नहीं सकता कोई। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, हमें तुम जैसी बदसूरत चीज नहीं चाहिए। थंबलीना ने पूरी गर्मी का मौसम अकेले ही बिताया। उसने खुद ही अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए उन फूलों का पानी पीकर दिन गुजारे। काफी दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया तब उसे ठंड लगने लगी क्योंकि उसने गर्मी के कपड़े पहने हुए थे। दूर से एक खेत दिखाई दे रहा था जो घास से भरा हुआ था। काफी देर चलने के बाद थंबलीना उस खेत में जा पहुंची। घास के नीचे उसे चूहों का घर दिखाई दिया। खाना मिलने की उम्मीद से थंबलीना ने दरवाजा खटखटाया और कुछ जौ मांगा। नेक दिल के चूहे ने उसे अंदर बुलाया। थंबलीना ने तुरंत अंदर जाकर सारा खाना खा लिया। उस चूहे को थंबलीना बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझे हर दिन एक कहानी सुनाओगी तो मैं सर्दियाँ खत्म होने तक तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। थंबलीना ने चूहे का प्रस्ताव स्वीकार किया। आज मेरा पड़ोसी आने वाला है, उसकी हालत मुझसे अच्छी है, अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुम्हें बड़े आराम से रखेगा, पर ध्यान रखना उसकी नज़र थोड़ी कमजोर है। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी परी कथाएं सुनाकर उसे हमेशा व्यस्त रखना है। कुछ समय बाद अपनी पीठ पर मखमली फर लिए एक छुछुंदर वहाँ आया। थंबलीना को वो छुछुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसे उस छुछुंदर को नाराज नहीं करना था, इसलिए वो गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छुछुंदर को ये एहसास हुआ कि उसे थंबलीना बहुत अच्छे लगने लगी है। मैं इस पूरे रास्ते गड्ढा खोदते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम इसी रास्ते से जा सकती हो और मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। और उसने उसे घर ले जाने का तय किया। चूहा भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ये देख थंबलीना भी तैयार हो गई। वो लोग वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्हें एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। उसका सिर उसके पंखों से ढका हुआ था, उसके पंख टूटे हुए थे। ये चिड़िया यहाँ नहीं थी जब मैं यहाँ आया, वो जरूर इस होल से गिरी होगी। थंबलीना ने जंगल में चिड़ियों को खुद के बारे में बात करते हुए सुना था। उनमें से एक चिड़िया को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। चूहा और छुछुंदर की नजर बचाकर वो चिड़िया के पास गई और उसे चूमा। ये उन चिड़ियों में से एक होगी जो गर्मियों के वक्त आवाजें करती थी। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया की कर्जदार हूँ। चलो थंबलीना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उस रात सो नहीं पा रही थी। उसने घास की एक चादर बनाई, कॉरिडोर में जाकर उस चिड़िया पे उड़ा दी। उसने एक मिंट के पत्ते को गीला करके उस चिड़िया के सिर पर रखा। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी सुंदर सी चिड़िया। अगले दिन थंबलीना उस चिड़िया को देखने गई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक होते ही मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गर्म देशों में जा सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें इस गर्म पेड़ पर आराम करना चाहिए। थंबलीना ने उसे आराम करने की नसीहत देने के बाद उसके लिए एक फूल की पंखुड़ी में पीने के लिए पानी लाया और उस चिड़िया को पिलाया और फिर उसने उस चिड़िया की कहानी सुनी।
कि कैसे वो झाड़ियों के बीच उड़ रही थी जब उसके पंख टूट गए। आखिरकार ठंड का मौसम चला गया और सूरज अपनी रोशनी से चारों ओर गर्माहट फैलाने लगा। चिड़िया को पता चला कि अब उसे थंबलीना को अलविदा कहना है। क्या तुम जंगलों में मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरे दोस्त चूहे को बुरा लगेगा, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो फिर गुड बाय थंबलीना, हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। आंसू भरे नजरों से थंबलीना उस चिड़िया को उड़ते हुए देख रही थी। गर्मी को आता देख थंबलीना की चिंता और बढ़ गई। गर्मियाँ शुरू हो गई, अब उस मखमली फर वाले छुछुंदर को तुमसे शादी करनी है। चलो हम कुछ अच्छे कपड़े ले आते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है, मेरे साथ जमीन के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाओ थंबलीना। थंबलीना उस जमीन के नीचे ठंड और अंधेरे में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर गई ताकि वो सूरज को देख सके। जैसे ही वो अंदर आने लगी उसके सिर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी प्यारी चिड़िया थी जिसकी जान उसने बचाई थी। थंबलीना ने चिड़िया को बताया कि छुछुंदर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसे जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दियाँ आने को है और हम सारे गर्म देशों में जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आ सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। इस बार थंबलीना ने चिड़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थंबलीना उस चिड़िया के साथ उड़कर चली गई जंगलों, नदियों, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से। कुछ समय बाद वो दोनों गर्म देशों में पहुंच गए जो बहुत ही सुंदर था। सूरज की तेज किरणों से पूरा आकाश चमक रहा था। ये मेरा घर है, इन फूलों में से कोई भी एक सुंदर फूल अपने लिए चुन लो। बहुत खूबसूरत है। चिड़िया ने थंबलीना को उस फूल पर रखा। थंबलीना उस सुंदर वातावरण में बहुत खुश थी। उस सुंदर फूल पर बैठकर उसकी बारीकियों को गौर से देख रही थी। उस फूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो शीशे की तरह चमक रहा था। ये बच्चा उस फूल का राजकुमार था। वहाँ हर फूल का एक राजकुमार था। वो एक उंगली जितना ऊंचा था जिसके चमकते हुए पंख थे और सिर पर एक सुनहरा ताज था। उस राजकुमार ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो उसी के कद काठी की थी। तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? मेरा नाम थंबलीना है। उस राजकुमार ने अपना सुनहरा ताज निकालकर थंबलीना के सिर पर रख दिया। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम इन सारे फूलों की रानी बन जाओगी। इतनी तकलीफों में रहने के बाद इतनी सुंदर जगह पर होने की वजह से थंबलीना ने खुशी खुशी उस राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उस राजकुमार ने थंबलीना का हाथ पकड़ा और उसी वक्त थंबलीना के कंधों के पीछे दो पंख उभर आए। थंबलीना अब एक परी बन चुकी थी। वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। समय की बात है, एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उनका कोई बच्चा नहीं था पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था। एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा। तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई। नहीं कब मैं वो लेट्यूस खा पाऊंगी।
उनकी भूख कम होने लगी और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन उनके पति को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुट्ठी भर लेट्यूस लेके आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेट्यूस लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो घर था एक डायन का और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी जिस पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा के उस दीवार पे चढ़े, गार्डन में गए और उन्होंने मुट्ठी भर लेट्यूस निकाला। उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बेहतर महसूस करने लगी, पर मुट्ठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा। अगले दिन उनके पति फिर से उस गार्डन में गए, पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी। इतनी हिम्मत कि मेरे गार्डन में आके मेरा लेट्यूस चुराते हो? तो तुम मुझसे पूछ तो सकते थे ना। मेरी बीबी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं। माफ कर दूं? तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। तो क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हें जितना चाहो यहां से लेट्यूस ले जाओ, पर एक शर्त पर। तुम्हारे बच्चे का जन्म होते ही मुझे दे दोगे। डर के मारे उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई। उसने उसका नाम रखा रैपुंजल, क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मॉम खाती थी उसका नाम भी वही था। उस डायन ने रैपुंजल का बहुत ख्याल रखा। 16 साल के होते होते वो बड़ी सुंदर हो चुकी थी। उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत ऊंची इमारत में था और इस इमारत में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। डायन ने कभी भी इस सुंदरी के बाल नहीं काटे थे। उससे मिलने आती तो नीचे से आवाज देती, रैपुंजल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंजल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। ये सालों तक चलता रहा। एक दिन उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवाज को सुना गाना गाते हुए। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। उसने सोचा और आवाज की ओर बढ़ता गया। रैपुंजल की इमारत के पास आके उसने बायां देखा फिर दायां, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नजर ही नहीं आई। वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खींच लाती थी, पर ऊपर चढ़ना ही नहीं हो पाया। एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी। रैपुंजल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। वो
अपनी खिड़की से रैपुंजल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिल्लाया, रैपुंजल, रैपुंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी माँ के अलावा पहली बार किसी इंसान को देखा, रैपुंजल थोड़ा डर गई। तुम मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गाना सुनके तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया, आवाज किसकी है बस यही देखना था। रैपुंजल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपुंजल से शादी की बात की। रैपुंजल ने खुशी खुशी हाँ बोला। पर रैपुंजल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अचानक एक आइडिया आया। हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था, रैपुंजल उनको जोड़ के एक रस्सी बना रही थी। पर एक दिन रैपुंजल से एक गलती हो गई और उसके मुंह से एक बात निकल गई, मम्मी आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चढ़ता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाना चाहती थी। डायन ने गुस्से के मारे रैपुंजल के सुंदर सोने जैसे बाल काट दिए। और उसे एक दूर दराज के रेगिस्तान में भेज दिया। उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई, रैपुंजल, रैपुंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं हूँ प्रिंस। डायन ने रैपुंजल के बाल नीचे कर दिए। ऊपर कौन है ना जानते हुए प्रिंस चढ़ने लगा। वहां पे रैपुंजल नहीं बल्कि डायन दिखी। वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया। नीचे कुछ पौधे थे। पौधे थे तो प्रिंस बच गया, पर आंखों में कांटे लगने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा रैपुंजल को ढूंढते हुए। रास्ते में फल भी मिले, तोड़ के खा लिया। चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुंच गया और अचानक कुछ हुआ, एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा चिल्लाते हुए, रैपुंजल, रैपुंजल। रैपुंजल ने प्रिंस की आवाज पहचान ली
प्रिंस तुम? वो उसकी तरफ दौड़ने लगी। तुम यहाँ? दोनों कितने खुश हुए। मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी। रैपुंजल के आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरे और अचानक एक चमत्कार हुआ और प्रिंस आंखें खोल के देखने लगा। ये देख के रैपुंजल बहुत खुश हुई। दोनों एक साथ प्रिंस के किंगडम गए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। और दोनों हमेशा खुश रहे। बर्फीली न्यू ईयर की रात की बात है। लोग अपने कोट, ग्लव्स और स्कार्फ्स पहन के आना जाना कर रहे थे। सब लोग जल्दी में थे। कुछ लोग घर पहुंचने की जल्दी में थे और कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। बच्चे रास्ते में खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंक रहे थे। बेशक स्नो के सबसे ज्यादा मजे वही ले रहे थे। उनकी खिलखिलाहट ने माहौल में प्यार भर दिया था। पर रास्ते पर एक लड़की थी जो खेलने वाले बच्चों से अलग थी। ये लड़की बस देख रही थी बाकी बच्चों को खेलते हुए। उसके पास दूसरों की तरह हैट नहीं थी। उसके पास कपड़े भी हल्के थे और फटे हुए थे और उसकी चप्पल भी उसकी नहीं थी, काफी बड़ी थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो ठंड में कांप रही थी। उसने देखा ही नहीं कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। हे बच्चे, रोड के साइड में खड़े रहो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लड़की हाथों हाथ फुटपाथ पे भागी। भागते हुए उसकी चप्पल निकल गई। जब वो फुटपाथ पे पहुंची और मुड़ के देखा, उसने देखा कि एक लड़का उसकी चप्पल लेके भाग रहा है। मेरी चप्पल! वो चिल्लाई और उसके पीछे भागने लगी, पर वो लड़का जल्दी से भाग गया। मजबूरी में नंगे पांव चल के वो एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। उसने अपना बड़ा सा बॉक्स नीचे रखा। वो माचिस की डिब्बियों से भरे बॉक्स को देख रही थी। ठंड से उसकी आंखें नम हो गई थी। ये थी हमारी लिटिल मैच गर्ल। पर उस दिन एक भी माचिस की डिब्बिया नहीं बेच पाई। अगर वो कुछ माचिस की डिब्बिया बेचकर कमाई कर ले तो घर जाके अपनी माँ के साथ गरम खाना खा सकती थी। तभी वो चिल्लाने लगी, माचिस, माचिस, कोई ले लो एक डिब्बिया माचिस। किसी ने उसकी तरफ मुड़के भी नहीं देखा तो वो अपनी जगह बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंड में दर्द करने लगी। उससे अब दर्द सहन नहीं हो पा रहा था और किसी तरह थोड़ी गर्मी चाहिए थी। उसने माचिस की डिब्बी से एक तीली निकाली। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने तीली पकड़ी। अपने कांपते हाथों से उसने माचिस की तीली दीवार से जलाई और आग की रोशनी ने उसे खुश कर दिया। उस बेचारी ने तीली को दोनों हाथों में लिया। अब उसकी उंगलियों को आराम मिला। आग को देखते हुए वो सपने में चली गई। उसने अपने आप को एक जलते हुए स्टोव के सामने पाया। वो एक बड़े से स्टोव के आगे एक सुंदर से कमरे में बैठी हुई थी। उसने एक गरम स्वेटर, फर के बूट्स और सर पर गरम टोपी पहने हुए थे। इतनी गर्मी थी
कि उसे पसीना आने लगा, पर अचानक माचिस की तीली बुझ गई। तीली बुझते ही उसका सपना भी गायब हो गया। उसकी उंगलियां फिर से ठंडी में दुखने लगी, तो उसने एक और तीली जलाई। उसी समय ठंडी हवा चली। उस लड़की ने दीवार के सहारे उस लौ को बचाने की कोशिश की और उसने लौ को हाथ से छांव भी दी। जब वो उसे देख रही थी, दीवार अचानक से गायब हो गई। वहां एक बड़ा सा कमरा नजर आया। एक सफेद कपड़े से ढके टेबल पर हर तरह का खाना था। सिल्वर से पूरे कमरे में दिन की तरह उजाला था। वो टेबल तो देखती रही और देखा कि टेबल के बीच में एक बड़ा सा सुंदर सा ग्रिल्ड मीट का टुकड़ा पड़ा है। उसने एकदम से एक पीस लिया और अपने मुंह में डाल लिया और उसकी भूख खत्म हो गई। वो एक और टुकड़ा लेना चाहती थी मीट का। वो लेने लगी, मगर माचिस की तीली जो उसके हाथ में थी वो बहुत जल्दी बुझ गई। बेचारी लड़की का हाथ जल गया और उसने वो तीली फेंक दी। जैसे ही उसने तीली फेंकी और दीवार फिर से आ गई। लिटिल मैच गर्ल ने एक और तीली जलाई। अब की बार उसे और भी बड़ा सा सपना दिखा। एक खूबसूरत सी जगह पे बड़े से चांद के साथ वो एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में बैठी थी। रात थी पर ठंड नहीं थी। वो तारों को देख के खुश हो रही थी। उसने कभी इतना साफ आसमान और चमकते हुए तारे नहीं देखे थे। फिर अचानक उसे एक टूटता तारा दिखा। उसने मन में सोचा, एक और हमारे जैसा उड़ गया आसमान की ओर। उसकी दादी माँ ऐसा कहा करती थी। ठीक उसी वक्त उसने अपनी दादी को वहाँ पे देखा। जब कोई तारा टूटता है, हमेशा कोई और उसकी जगह ले लेता है। इतना कह के उसकी दादी माँ गायब हो गई और लिटिल मैच गर्ल ने उन्हें आवाज लगाई। दादी रुको, मत जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। अपनी दादी को फिर से एक बार देखने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई। वो भूल गई कि वो कैसे ठंड से कांप रही थी और फिर से अपना सपना देखने लगी। हर बार जब वो माचिस की तीली जलाती, उसे ऐसा लगता कि वो दादी को देख रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसके आसपास दिन जैसा उजाला हो गया। उसे अपनी दादी बहुत सुंदर लग रही थी। उनके प्यारे चेहरे को देख के अपनी सारी तकलीफ वो भूल जाती थी। ये लम्हा कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए उसने आखिरी माचिस की तीली भी जला दी। उसकी दादी माँ फिर से उसके सामने आई। उन्होंने अपने हाथ में लिटिल मैच गर्ल का हाथ थामा और वो दोनों आसमान में उड़ने लगी एक साथ। लिटिल गर्ल को बहुत राहत महसूस हुई। अब ना ठंड थी और ना भूख थी। ठीक उसी समय एक और तारा टूटा। सुबह लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने लिटिल मैच गर्ल को दीवार के सहारे बैठा देखा। उसकी आंखें बंद थी पर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसके आसपास बहुत सारी जली हुई तीलियां पड़ी थी, तीलियां जिन्होंने जल के उसके सपनों को रोशन किया। ऐसे सपने जिन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। सालों पहले एक किंगडम हुआ करता था।
खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी, एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया। आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा, तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो, किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस ना कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए। परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस अरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को अरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये जरा मुश्किल हो गया, क्योंकि अरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी। पर उनकी मदद से अरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो, पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था।
उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया उसके भले के लिए। अरुरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और अरुरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में अरुरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और अरुरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ अरुरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से अरुरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा। किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि अरुरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे। बीत गए। एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियाँ और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे उन्हें दो गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ये हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। खूबसूरत दिन की बात है, एलिस अपनी दीदी के साथ पिकनिक पे गई थी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला,
अरे इतना लेट हो गया मैं। एलिस अचंभित सब देख रही थी। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो खरगोश के पीछे पीछे चल दी। खरगोश एक पेड़ के तने के छेद में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, लंबा सा, और वो चल के जाने लगी उस पे। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो लॉक्ड थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब उसे चिंता हो रही थी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर रखी मिली एक सोने की चाबी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहां वहां देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा, और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन, पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पे एक बॉटल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस गटगट करके उसे पीती जा रही थी। जितनी वो उस जादुई शरबत को पी रही थी, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा, तब पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पे लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकाल के खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा लेती, पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बड़ी दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि आंसू से नदी जैसी बन गई। तभी वो खरगोश वहां से हड़बड़ी में भाग के गया। एलिस ने पुकारा, सर, सर प्लीज रुकिए, हेल्प मी। पर वो जाता रहा, देखा भी नहीं उसने मुड़के। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन गिर गए। एलिस ने उसका सामान उठाया और जैसे ही उसने हैंड फैन से हवा की, वो फिर छोटी होने लगी। तभी वो स्लिप होके अपने आंसुओं की नदी में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बहके निकलने लगे। जब वो बाहर निकले, सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी मेड है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा। एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पे एक बॉटल भी दिखा। उसने बॉटल लेके जादुई शरबत पूरी पी ली। वो इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डर के जानवर उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास पहुंच रहा था, वो केक बन जा रहा था।
एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी होने लगी और उस घर से निकल सकी। पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी, इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज पे कैसे पहुंचे वो? उसे दूर एक पप्पी दिखाई दिया। उसने उसे पुकारने के लिए बुलाया। उसके पास आते ही उसे मालूम पड़ा कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पप्पी से कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उसे पूछा कि कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ मैं। कैटरपिलर मुस्कुरा के बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें बड़ा कर सकता है और दूसरा साइड छोटा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो फाइनली अपने नॉर्मल साइज पे पहुंच गए। दोनों साइड से एक एक टुकड़ा लेके अपने हाथ में रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां डचेस अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था। एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है, डचेस बोली। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और डचेस का बच्चा रोने लगा। डचेस ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे खिलाओ जब तक ये सो ना जाए, मैं क्वीन के साथ क्रॉके खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से प्रकट हुआ और हंस के बोलने लगा, तुम्हें मैड हैटर और मार्च हेयर को ढूंढना होगा, संभल के, वो पगले है जरा। ये कह के चेशर कैट फिर गायब हो गया। एलिस गुस्से से उस पे चीखी, ये बार बार गायब होना, प्रकट होना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। चेशर कैट फिर आया और बोला, ठीक है, मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उसे मार्च हेयर का घर मिल गया। मार्च हेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मार्च हेयर के कानों के बीच भूसा रखा था। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पे सोया हुआ था और ये दोनों उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एलिस के आते ही दोनों चिल्ला पड़े कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है, मैड हैटर एलिस से पूछता है, कुआवा तुम्हें क्यों एक टेबल की तरह लगता है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बकवास मीटिंग रही है। एलिस को एक दरवाजा दिखा, एक पेड़ के तने में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे व्हाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था।
सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, क्यों पेंट कर रहे हो सभी व्हाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थे पर हमने गलती से व्हाइट रोजेस उगा दी। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखी इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉके खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉके फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मेलेट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे पर हेडहॉग्स फेंक के लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉके पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाए चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के समय जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को बंदी बना के रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक संडे की बात है, हमारे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कुछ डिलीशियस पीस बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। किंग ने चिल्ला के कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर के बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी फिर से कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा। पर मुझे कुछ नहीं पता, एलिस बोली। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता, इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? आप मेरी क्वीन नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ उड़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की पर वो एलिस को सुनामी बनके घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी दीदी ने आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब सपना था। अरे रे, ये तो सपना था। क्या सपना था? वाओ दीदी, मैं बताऊं अपना सपना तुम्हें? एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा,
जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया। और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई, क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना, हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो
देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और तीन बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहां 100 सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियां खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थी जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थी और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं, और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया, क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।